पटाखा चरगा। इस पे कट्स लगाने अच्छे तरीके से। मसाला रेडी कर लेते हैं, धनिया भी ऐड करेंगे, जीरा भी जाएगा इसके अंदर। बस ये आपने इसको मिक्स करना है। स्टीमर जो है ना वो भी प्रॉपर स्टीम हो रहा है। बेहतरीन हो गया। काला नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, कलर है आमचूर पाउडर जाएगा, मसाला है जो हमने रेडी किया ये जाएगा, अनारदाना। इसको एक काम करते हैं, इसको भी हम थोड़ा सा ना इसका पाउडर बना लेते हैं। अनारदाना, काली मिर्च, नमक, दही जाएगा, जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेमन जूस, मिक्स करना है। इसको हल्का सा मसाला लगा रहा हूँ, ठीक है, अभी सादा नहीं लगा रहा क्योंकि इसको हमने फ्राई भी करना है। लेकिन सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको स्टीम करूँगा। ये हल्का सा लगा दिया मसाला, बस इसको हम डालेंगे, जो भी एक्सेस रह गया पानी वो आपने निकाल लेना है स्टीमर के अंदर। बस मैं थोड़ा सा यहाँ पर पुलाव बना रहा हूँ। जो गार्लिक पेस्ट या चॉप्ड अच्छे तरीके से जो है ना आपने थोड़ा सा सॉटे करना है। 40 सुप्रीम कुकिंग ऑयल के अंदर थोड़ा सा प्याज है, क्यूब जो है वो मैंने ले लिया, बड़े आसानी है क्यूब से वाकई, ठीक है, स्टॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा पानी डाला है, अब यहाँ पर मेरे पास सेला चावल है वो ऐड कर दूँगा, ठीक है, ताकि एक प्लेटर जो है ना वो अच्छे तरीके से बन जाए। बस दार सा इस पर स्टीम जो है ना वो आ चुकी है, लेकिन ये कि मैं आई वुड से कि इसको थोड़ा सा और रखते हैं ताकि जो है ना अच्छे तरीके से और मज़ीद हो जाए। एंड ये आपने जो है ना अच्छे तरीके से कवर कर देना है। ऑयल आ गया, इसको मैंने डीप फ्राई करना है, दैट्स इट। बेहतरीन, ध्यान से आपने इसको निकालना है यहाँ पर, ठीक है, ये ले, ये लीजिए। मसाला है ना ये आपने ऊपर लगाना है लाजमी। पटाखा चरगा, पटाखा स्पाइस मिक्स के अज्जा, अनारदाना 2 और आधा खाने का चमचा, जायफिल 1/4 टुकड़ा, लौंग 7 से 8 जवे, जवे 3 2 छोटे टुकड़े, ज़ीरा 1 और आधा खाने के चमचा, साबुत धनिया 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 4 खाने के चमचे, आमचूर पाउडर 1 खाने के चमचा, काला नमक 1 चाय का चमचा हसब ज़ायका, कश्मीरी लाल मिर्च या पाउडर 1 और आधा खाने का चमचा, सालिम मिर्च 1 अदद, दही फिटी हुई 1/2 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक 1/2 चाय का चमचा, हसब ज़ायका लीमू का रस 1 खाने का चमचा, जर्दे का रंग 1/4 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 3 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए, पके हुए चावल 1 कप गार्निश के लिए।
add some masala to your life.